यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी? उम्मीद करता ठीक होता है। आपका स्वागत है मेरे चैनल गेमिंग स्टोरी में। तो आज हम की इस वीडियो में आज हम लोग मेगा एरिना के कुछ प्रो टिप्स बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आप भी मेगा एरिना के प्रो बन जाओगे। इसके लिए मैं आज की प्रो टिप्स बस हैवी रोबोट्स के लिए नहीं, पर कि हल्के फुल्के रोबोट्स भी चलेंगे, जैसे कि पहले राउंड में आते हैं कोई सा भी हल्का फुल्का रोबोट जो कि आप नया नया खेलते हो तो आपको मिलते हैं। तो अभी के लिए मैं किलशॉट चुनता हूँ, क्योंकि ये मुझे किलशॉट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं किलशॉट का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो फिर गाइस, नंबर वन टिप जो आती है ना, यानी कि गोले वाले में आपको रस तक गोले में, यानी कि आपको रस करना है इस गोले में, जिस जहाँ पर मैं अभी कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसको करते हो तो इसका करने का फ़ायदा क्या था, आप फर्स्ट नंबर पर आ सकते हो या थर्ड या सेकेंड में, जिससे आपके मिशन भी पूरे होंगे और आप प्रो भी बनते जाओगे जल्दी। जितनी जल्दी हो सके आप इन पर आया करो, और कभी घबराया मत करो, बस इधर उधर देखते रहिए कि हाँ बंदे किधर से आ रहे हैं किधर से नहीं आ रहे हैं, कब उसके ऊपर रस करना है। अभी गाइस आपको क्या करना इन गोले पर, जैसे कि आप इधर उधर देखकर पता लगाइए। अभी देखिए मैं पीछे से मार रहा हूँ इतने सारे। अगर गाइस आपको कभी भी अगर गोले के ऊपर जाना चाहिए और गोले में ज़्यादा बंदे नहीं रहते तो आप बच सकते हो, गोले में के ऊपर रस कर इधर उधर साइड से जाइए, कभी भीड़ के अंदर ना घुसिएगा। तो टिप नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर जो टू होती है गाइस, वही बहुत काम की होती है। टिप नंबर टू होती है साइलेंट किल। गाइस अभी मैं कैसे मर गया, क्यों? क्योंकि मैंने साइलेंट किल नहीं किया। साइलेंट किल ऐसा होता है कि चुपके से बंदे के ऊपर जाकर मारो, यानी कि ये नहीं, अभी ये देखिए मुझसे बड़ा है तो मैं इसके ऊपर चुपके से हमला कर रहा हूँ। अभी तो मैंने चुपके से हमला नहीं किया, इसके सामने स्पॉन हुआ तो इसको मारना तो पड़ेगा ही सामने से। अभी मेरे साथ ही है तो मुझे डरने की बात नहीं है, इसलिए गाइस हमेशा साइलेंट किल होगे, कभी उसके पीछे से आइए। अगर आपको वो सामने है तो देखिए पहले कि वो पीछे मुड़ा है क्या, अगर उसके पीछे मुड़ा है तो पीठ में मारने से ज़्यादा डैमेज पड़ता है, तो आप पीठ पे मारकर उसको जल बहुत आसानी से किल कर सकते हो, चाहे आपके पास छोटा पैंथर ही क्यों ना हो, कि ये बहुत बड़ा कोई भी रोबोट हो। तो गाइस आप टिप नंबर थ्री के बढ़ते हैं। टिप नंबर थ्री जो आती है ना गाइस, वो होती है डैमेज। गाइस अगर आपको डैमेज पड़े तो आपको क्या करना चाहिए, तो गाइस इसकी सलाह मैं ये दूंगा कि अगर आप किसी रोबोट के पीछे रहिए, जैसे कि मैं अभी इस रोबोट के पास हूँ, बड़े वाले डंबल के पास, उसकी हेल्थ नहीं है, तो अभी मेरी हेल्थ है और मेरा एक डंबल हूँ, तो इसको मैं आसानी से मार दूंगा। और गाइस ये देखिए मैंने इसको मार भी दिया, क्यों? अब मैं यहाँ पर रस भी कर रहा हूँ, देख ही सकते हो आप लोग, अभी यहाँ पर ये बंदा है, इसको फुल करना पड़ेगा। तो गाइस आपको ऐसा ही करना पड़ेगा हमेशा, अगर आपकी हेल्थ कम हो तो आप किसी रोबोट का सहारा लीजिए, जैसे कि मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। ये मत कीजिए, अपनी मनमानी मत कीजिए, इसके पीछे रहिए, मैं अभी आप इसके आगे जाऊंगा क्योंकि उसका ध्यान नहीं है, और अचानक से किसी और ने मुझे मार दिया, कोई बात नहीं गाइस, अभी ऐसा तो होता रहेगा उसने। तो गाइस ऐसा ही होता है, आपको बस किसी रोबोट का सहारा लेना होता है अगर आपकी हेल्थ कम हो तो। सो गाइस अभी मैं ऐसे ही घूम जा रहा हूँ। तो गाइस अभी चौथी नंबर जो टिप आती है वो कैसी होती है, तो गाइस सबसे ज़्यादा चौथी नंबर टिप होती है वो होती है कि आप लोग है ना अपने रोबोट के हिसाब से नहीं लगाते, जैसे कि किलशॉट में लगते हैं मिसाइल, इस रोबोट में लगते हैं ये गोलियाँ, तो गाइस आपको ऐसे ही ऐसी चीज़ें लगाती होती है जिसके कारण आपका जो रोबोट है ना उस पर सूट करे, जिस रोबोट पर जो गोलियाँ आपको अच्छी लगती है वही लगाया करे, जबरदस्ती जो ज़्यादा डैमेज देती है उनको मत लगाया करें, ठीक है ना गाइस। तो टिप नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस टिप नंबर फाइव जो है ना वो भी कुछ अलग ही यूनिक होने वाली है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो टिप नंबर फाइव जो है ना गाइस, आप लोग बहुत बार क्या करते हो, टू रोबोट्स फाइट। तो टू रोबोट्स फाइट क्या करना होता है गाइस, मैं आपको बता दूं, ये देखिए मैंने किया तो कितने मेरे दोनों रोबोट, एक में किल किया, मैं तीन के किल किया और एक बड़ा, तो देखिए कैसे आ रहे हैं। तो गाइस आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस आपको कुछ नहीं, दो रोबोट अगर आप फाइट कर रहे हो तो क्या कीजिए, एक छोटा सा या कोई सा भी बड़ा सा की कवर लीजिए और इधर निकलिए फिर मारिए, निकलिए। अगर आपके पास किलशॉट के पास मिसाइल्स है तो मिसाइल्स मारिए दोनों में से एक को, और या फिर इधर निकलिए और फिर अंदर जाइए। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, निकल रहा हूँ फिर अंदर जा रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने गलती की है कि मैंने किलशॉट के पहले डैमेज नहीं दिया, फिर ऐसे ही लग रही उधर की तरफ, बहुत धूम यानी कि बहुत भीड़ लग रही है, इधर उधर फाइट हो रही है, तो मैं इधर की तरफ सिर्फ मिसाइल ही मारूँगा, क्योंकि मिसाइल ही मारना सबसे अच्छा डिसीजन है। इधर की तरफ गाइस मैं इधर उधर घूम रहा, क्यों? क्योंकि अभी फाइव, टिप नंबर फाइव जो आती है वो टू दो जनों को मारने के लिए सिर्फ इधर उधर। और गाइस टिप नंबर जो सिक्स आती है प्रो बनने के लिए, टिप नंबर सिक्स जो आती है ना गाइस वो होती है पोजीशन। गाइस क्या होता है, अगर मैं इससे फाइट कर रहा हूँ, देखो कैसे पोजीशन बदल रहा हूँ, इधर उधर चल रहे जा रहा हूँ। तो गाइस अभी आपको एक जगह नहीं खड़ा रहना है, अगर आपने बंदों को इधर से डैमेज दे दिया तो उस गोले को बनाकर वहाँ से निकल जाइए, वहाँ पर मत रहिए, ताकि आपके आपके पास हेल्थ हो या ना हो, आप वहीं से निकल जाइए। देखिए मैं कैसे इसके ऊपर मिसाइल्स मार रहा हूँ और अभी मैं मर गया। तो गाइस ऐसे ही होते रहेगा, आप कुछ भी कर बस इधर की तरफ स्पॉन होते रहिए। अभी मैं पैंथर के साथ इधर उधर अलग अलग पोजीशन लूँगा और मारूँगा। तो
में गाइस, तो टिप नंबर 5 ऐसी होती है, और जो टिप नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो टिप नंबर 6 गाइस ये होती है, ज़्यादा से ज़्यादा गाइस अपनी एबिलिटी यूज़, यानी कई लोग क्या करते हैं एबिलिटी यूज़ ही नहीं करते, तो अपनी एबिलिटी जितनी ज़्यादा हो सके, चाहे वो काम की हो या ना हो, आप एबिलिटी हमेशा यूज़ करा करिए। अभी मैंने पैंथर में गलती क्या की है, मैंने सबसे ज़्यादा डैमेज वाला गन लिया, लेकिन इसको ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ेगा, बस डैमेज तो पड़ता है, लेकिन इससे ज़्यादा पैंथर के साथ ये ज़्यादा मैच नहीं करता, तो इसलिए मैं बाद में बदल लूँगा, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस ये थी, तो गाइस अभी जो आप 6 नंबर जो आपको मालूम है कि एबिलिटी यूज़ करनी है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा। और हाँ गाइस, अगर आप लोग इन टिप्स को फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग प्रो बन जाओगे। सिर्फ यही नहीं, कुछ और टिप्स भी आती है, लेकिन अगर आप लोग अगर मुझे सब्सक्राइब करोगे तो मैं वो टिप्स भी लाऊँगा, ठीक है ना गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहूँगा, ताकि हर गेम की वीडियो लाते रहूँगा। कमेंट में मुझे बता देना कि कौन सी टिप्स छूटी रह गई है, या फिर कॉइन्स इकट्ठा करने का कई अलग अलग टिप्स भी होती है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। ये बैटल विन हो चुका है, ठीक है ना गाइस। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में।